आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश में लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग टुट या फिर टट भी पढ़ सकते हैं सागा कंटिन्यूज। चलिए गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, कारण बताना है नीचे दिए गए प्रश्नों के कि क्या कारण है। जैसे पहला है किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। किंग टट की जो बॉडी थी जो कि दफना दी गई थी उसको बार बार उसका सूक्ष्म परीक्षण क्यों किया गया, बारीकी से। स्क्रूटनी का अर्थ होता है बारीकी से किसी चीज़ की जांच करना, सूक्ष्म परीक्षण करना। आंसर होगा किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू बी रिपीटेड स्क्रूटनी बिकॉज ही वॉज द लास्ट एयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज एंड वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। बार बार सूक्ष्म परीक्षण इसलिए किया गया क्योंकि वह उसके एक शक्तिशाली परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी था। HEIR दैट मीन्स वारिस या उत्तराधिकारी, जिस परिवार ने मिस्र पर कई शताब्दियों तक राज किया और वह जब मरा तो वह एक टीनेजर था, इसलिए बार बार उसके जो बॉडी थी उसका स्क्रूटनी की गई, मतलब बार बार सूक्ष्म परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। हॉवर्ड कार्टर की जो जांच पड़ताल थी, इन्वेस्टिगेशन थी, उसको बार बार उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसका विरोध क्यों हुआ, लोगों ने उसकी आलोचना क्यों की। रिसेंटेड का अर्थ होता है आलोचना करना, विरोध करना। हॉवर्ड कार्टर द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड टट स्टोम इन 1922। हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश के पुरातत्व शास्त्री थे, पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने किंग टट की जो टॉम थी 1922 में इसकी खोज की। हावेवर हिज इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड, उनकी जो जांच पड़ताल थी उसका विरोध हुआ बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड टू कट द बॉडी अवे फ्रॉम द वुडन बेस। उन्होंने किंग टट की जो बॉडी थी उसको अनसाइंटिफिक तरीके से अलग किया था काट कर, जैसा कि लेसन पढ़ते टाइम हमने बताया है कि छीनी हथौड़े से उन्होंने चिसल्ड अवे, मतलब छीनी का प्रयोग करके उसको जो उसका ताबूत था, कोफिन था, उससे अलग किया था। ही आल्सो फोकस्ड मोर ऑन डिस्कवरी ऑफ गोल्ड देन ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ टट्स लाइफ एंड द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ। और उनका ज़्यादा ध्यान जो था वह उस गोल्ड पर, उस सोने पर था जो उनके साथ दफनाया गया था, इसके बदले कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई उसके जीवन के बारे में जानने से ज़्यादा उस गोल्ड पर उनका ज़्यादा फोकस था, इसलिए भी उसका विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्टर हैड टू चिसल अवे द सोलिडिफाइड रेजिन्स टू अरेज द किंग्स रिमेन्स। चिसल अवे मतलब छीनी से काट कर उसको अलग करना। सोलिडिफाइड रेजिन्स मतलब वह रेजिन्स जो कि ठोस हो चुका था, जिससे किंग टट की बॉडी उसमें चिपक गई थी, तो उसको उसने चिसल अवे क्यों किया, मतलब छीनी से काट कर अलग क्यों किया। तो यहाँ पर आंसर आएगा, कार्टर फाउंड दैट रिजुअल रेजिन्स दैट वाज यूज्ड एज ए पोलिस हेड द रिजल्ट दैट द ममी वाज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। वो जो रेजिन्स था जो कि सॉलिड हो चुका था, ठोस हो चुका था और सीमेंटेड हो गया था, अब जो किंग टट की जो मम्मी थी वह उस सोने में चिपक गई थी या सॉलिड हो चुकी थी। नाइदर द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कुड मूव द मम्मी नॉर कुड द हीट ऑफ द बर्निंग सन लूजन द रिमेन्स ऑफ द किंग। ना तो बलपूर्वक उसकी बॉडी को उससे अलग किया जा सकता था और ना ही जलते हुए सूरज की गर्मी उसे अलग कर पाई। सो द सोलिडिफाइड मटेरियल हैड टू बी कट, इसलिए जो ठोस सोलिडिफाइड जो रेजिन्स था उसको काटना पड़ा। अवे फ्रॉम बिलो द लिम्स एंड द चेस्ट ऑफ रेज किंग टट आउट, उसके जो लिम्स थे और उसके चेस्ट का जो हिस्सा था वह उस छीनी से डैमेज हो गया था।
अगला है टट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विथ गिल्डेड ट्रेजर्स। क्या कारण था कि किंग टट की बॉडी को गिल्डेड ट्रेजर्स मतलब भव्य शानदार जो खजाना है उसके साथ दफनाया गया था। द एंशियंट रॉयल्स ऑफ इजिप्ट वर फेबुलसली वेल्दी। प्राचीन मिस्र के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो फेबुलसली वेल्दी मतलब बहुत ही ज़्यादा धनवान होते थे। दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ में वो विश्वास करते थे, आफ्टर लाइफ मतलब मृत्यु के बाद। दे आल्सो बिलीव्ड दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम। और वे इस बात पर भी विश्वास करते थे कि मरने के बाद व्यक्ति अपने साथ अपनी प्रॉपर्टी को अपने धन को ले जा सकता है। सो गिल्डेड ट्रेजर्स वर बरीड विद देम। इसलिए शानदार या भव्य खजाना भी उनके साथ दफनाया गया था। द किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतन खातेन टू तूतन खामून। क्या कारण था कि लड़के ने अपना नाम तूतन खातेन से तूतन खामून बना दिया या रख लिया। तूतन खामून मीन्स लिविंग आमेन लिविंग इमेज ऑफ आमून। तूतन खामून का अर्थ होता है आमून की जीती जागती छवि या उसकी छवि इमेज। ही वॉज मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। और आमून क्या है, प्राचीन मिस्र के बड़े देवता भगवान हैं। किंग अमेन होटेप इसमेज्ड द इमेज ऑफ आमून एंड क्लोज्ड द टेम्पल्स। राजा अमेन होटेप जो थे उन्होंने आमून देवता की जो इमेजेस थी उनको तोड़ दिया था, उस मंदिर बंद कर दिए थे। टट ओवर सा ए रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज। और टट जो था वह यह चाहता था कि फिर से उनका रिस्टोरेशन मतलब पुनर्जन्म हो, फिर से वो अस्तित्व में आए। ही आल्सो चेंज्ड हिज नेम टू एक्सप्रेस हिज बिलीफ ऑन आमून। इसलिए उसने अपना नाम आमून रख लिया था। लिस्ट द डीड्स दैट लीड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनातन एज ए वेकी। उन चीज़ों की लिस्ट बनाना है जिसके आधार पर रे जॉनसन ने यह वर्णन किया कि अखेनातन एक वेकी है, एक पागल हो गया है ना, बौखला गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन। रे जॉनसन के अनुसार अखेनातन वाज ए वेकी, पागल है, क्योंकि ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन इंस्टीट ऑफ आमून। उसने अथेन की पूजा को प्रमोट किया आमून के स्थान पर। दूसरा था ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनातन। उसने जो उनकी धार्मिक राजधानी थी थेब्स उसको अखेनातन बदल दिया। अगला है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के क्या रिजल्ट निकले। आंसर होगा इसका, यहाँ से आंसर स्टार्ट है। द सिटी स्कैन रिवील्ड किंग टट्स नेक वर्टिब्रा। सिटी स्कैन में किंग टट की जो गले की हड्डी थी वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, नेक वर्टिब्रा मतलब गले की हड्डी, ए हैंड एक हाथ दिखाई दिया। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज पसलियाँ जो थी उनके भी कई सारे व्यूज़ दिखाए गए। ए स्कल ट्रांसेक्शन और जो हमारी खोपड़ी है, स्कल मतलब खोपड़ी, इसके भी अलग अलग हिस्से दिखाई दिए। एवरीथिंग इंडिकेटेड दैट नथिंग सीरियस हैड गोन रॉन्ग। और यह सब देखने के बाद में यह इंडिकेशन हुआ कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अगला है लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना है जो कि फोरेंसिक को और भी इम्प्रूव करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रादर देन ट्रेजर बरीड विद द रिमेन्स। मेडिकल टेक्नोलॉजी से उसके जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हुई, ना कि जो खजाना उसके साथ दफन था। हैज़ शेप्ड द फ्यूचर ऑफ आर्कियोलॉजी इन फोरेंसिक एनालिसिस। द एक्सरे वाज इन्वेंटेड फॉलोड बाय सिटी स्कैनर। एक्सरे किए गए सिटी स्कैन के द्वारा विथ मेड डायग्नोस्टिक इमेजिंग पॉसिबल, और जिससे कि कल्पना की गई कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। इट क्रिएट्स ए थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी फ्रॉम एंशियंट रिमेन्स रिवीलिंग बॉडी पार्ट्स दैट हैव बीन परसिव्ड
फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो कि कई वर्षों पहले दफना दिया गया था, तो उसकी अलग अलग इमेजेस से उसका अच्छे से एनालिसिस किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। किंग टट की जो मम्मी थी वह पहली मम्मी थी जिसको सीटी स्कैन किया गया था, इसको एक्सप्लेन करना है। इन डेथ एज इन लाइफ, मृत्यु में भी वो प्रथम रहा और जीवन जब वो जिया था उस वो भी प्रथम, उसमें भी वो अग्रणी ही था, इसको एक्सप्लेन करना है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अनुसार किंग टट वॉज द फर्स्ट फेरो हु ममीफाइड बॉडी वॉज स्कैंड 3300 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। किंग टट वह फेरो था, फेरो मतलब मिस्र में राजा को एक उपाधि दी जाती थी जिसको फेरो बोलते हैं। किंग टट वह एक ऐसा फेरो था जिसकी मम्मी को 3300 वर्ष बाद भी उसकी बॉडी का सीटी स्कैन किया गया, उसकी मृत्यु के इतने वर्ष बाद भी। व्हेन ही वाज अलाइव, जब वो जीवित था, ही वाज वेल नोन फिगर, तब भी वह अच्छा खासा जाना पहचाना था, फेमस था। इवन दो ही वाज ओनली ए बॉय, जब वो एक लड़का था तब भी। ही वाज इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, मेकिंग बोल्ड डिसीजन एंड रिस्टोरिंग लॉस्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दैट हिज फादर हैड डिस्ट्रॉयड। वह बुद्धिजीवी व्यक्ति था, एक प्रैक्टिकल इंसान था, बोल्ड डिसीजन ले सकता था और वह इस चीज़ में भी विश्वास रखता था कि जिन चीज़ों को हमारे पूर्वजों के पिता के द्वारा नष्ट कर दिया गया है उनका भी वो फिर से निर्माण कर सकता था, जैसे कि उसने अपने नाम को ही भगवान के नाम के आधार पर रख लिया। ही रूल्ड फॉर 9 ईयर्स, 9 वर्षों तक उसने शासन किया। बट ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, फिर अनएक्सपेक्टेडली उसकी मृत्यु हो गई, लिविंग द काज अननोन, और किस कारण से हुई वो भी अननोन है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।